शादी के चौथे दिन ही दूल्हे के साथ एक ही पानी में डूबने से मृत्यु होने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। किस परिसर की यह घटना है, जानने के लिए देखते हैं यह खबर। शादी के चौथे दिन दूल्हे की पानी में डूबकर मृत्यु होने की दिल दहला देने वाली घटना गढ़चिरौली जिले के बीनागुंडा में सामने आई। नवनीत राजेंद्र धात्रक उम्र 27 चंद्रपुर निवासी, दूल्हे का नाम तो बादल शामराव हेमके 39 वर्ष आरमोरी निवासी, दूसरे मृतक का नाम बताया जा रहा है। नवनीत धात्रक मयूरी कापकर, इनकी 7 जून को शादी हुई थी। नवनीत मयूरी शादी के बाद भामरागढ़ तहसील के बीनागुंडा के झरने पर घूमने के लिए गए थे। इसी बीच नवनीत को पानी में डूबता हुआ देख उसे बचाने के लिए गए बादल हेमके की भी मृत्यु हो गई। बादल हेमके भामरागढ़ तहसील के पल्ली ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक था। उनकी मृत्यु से हेमके और धात्रक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले इसी झरने में एक डॉक्टर की भी जान चली गई थी। भविष्य में भी ऐसी घटनाएं घटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन को इस स्थान पर लोहे के खंभे लगवाने चाहिए। नागरिकों की मांग है कि नागरिक गहरे पानी में न जाए, इसके लिए सीढ़ियां और फोटोग्राफी पॉइंट की व्यवस्था की जाए। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि गणेश मोदकुरवार की रिपोर्ट।